दोस्तों आपने साल 2000 में आई तमिल फिल्म कंदुकोंदई तो आपने देखी होगी, और ये वो फिल्म थी जिसमें खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ श्रीकांत के रूप में अभिनेता मिर्जा अब्बास अली अपनी जोड़ी जमाते हुए नजर आए थे और काफी फेमस भी हुए थे। लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या ये वो हीरो मिर्जा अब्बास अली आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं और कैसे दिखते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको इन सारे सवालों का जवाब इस अभिनेता से मिलवा कर देते हैं, पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। कंदुकोंदई फिल्म में ऐश्वर्या के हीरो बने अभिनेता मिर्जा अब्बास अली का जन्म 21 मई 1975 को कोलकाता में हुआ था और वहीं से इनकी सारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। बात करें इनके अभिनय करियर की तो बता दें साल 1996 की फिल्म कदहाल देसम के साथ तमिल इंडस्ट्री में आए थे, जिसमें इन्होंने एक्ट्रेस तब्बू के साथ काम किया था, जिसके बाद इन्हें आसई थम्बी पुवेली के साथ साथ मालाबार पुलिस जैसी 25 से 30 तमिल फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। फिर इन्होंने साल 2003 की फिल्म जिंदा दिल से हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन इस इंडस्ट्री में इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली तो इन्होंने अपना रुख एक बार फिर तमिल और कन्नड़ फिल्मों की ओर कर लिया था। लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए रंग रूप की तो जहां ये अभिनेता ऐश्वर्या राय के हीरो के रूप में फिल्म कंदुकोंदई में नॉर्मल कुर्ता पैजामा पहने टॉल एंड हैंडसम नजर आए थे, वहीं आज 48 साल की उम्र में काफी स्टाइलिश हो गए हैं, पर मोटे दिखने के चलते कुछ खास नहीं लगते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी बिजी लाइफ की तो आज ये अपनी वाइफ इरम अली और दो बच्चों के साथ विदेश में खुशी से रह रहे हैं, जो एक्टिंग की दुनिया को काफी पहले बाय कहकर आज वहीं पर बाइक मैकेनिक का काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। वेल दोस्तों, क्या आप अभिनेता मिर्जा अब्बास अली को इस कंडीशन में देखकर खुश हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।